Hello children, how are you all? I hope you all are doing very fine. This is your teacher Pooja Sahani with your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series. और हम करने वाले हैं chapter number 24 interjection. So क्या होते हैं बच्चों interjections? Interjection is a word जो sentence में add किया जाता है किसी sentiments और किसी emotions को और ज़्यादा express करने के लिए, जैसे कि great, well, alas, ouch, hey, hooray, hey, oh, oops, wow, aha. So इस तरह से ये होती हैं common interjections, जैसे कि wow, the Taj Mahal is so graceful. अब हम ये भी कह सकते हैं the Taj Mahal is so graceful, लेकिन हमने उसमें emotions को और अच्छे से express किया with the help of interjection. जैसे कि wow, the Taj Mahal is so graceful. Ouch, I fell down from a chair. So जैसे ही गिरा वैसे ही आवाज़ निकली, ouch. So ये क्या है? Interjection, right? So आगे चलते हैं. Now take a look at this table to understand the use of interjection. So ये है interjection के words और ये हैं emotions जिनको ये words express करते हैं और अच्छे से. Oh, really, what? Wonderful. So this is wonder. जब हमें wonder emotion show करना होता है तब हम इन words का use करते हैं. Ah, hey, oh, surprise. Hi, congrats. जब हमें किसी को greeting करना होता है. Aha, hooray, cheers. जब हम खुश होते हैं, joy show करना होता है, अपना pleasure हमें show करना होता है. Oh, एंगर शो करना होता है, अल्लास, ओ डियर. जब हमें किसी को कोई दुख शो करना होता है या पिटी, किसी पे दया दिखानी होती है, आह, अल्लास, ओ. जब हमें सौरो या पेन शो करना होता है तब हम इन्हें यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज. हमें यहाँ पर सेंटेंस लिखना है विथ ईच इंटरजेक्शन गिवन बिलो. उससे पहले यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बॉक्स है, इसे पढ़ते हैं. Most time interpretations are follow किए जाते हैं by an exclamation mark के through to signal a strong emotion, एक strong emotion दिखाने के लिए. Okay, so जैसे कि write a sentence with each interjection given below. So हम लिखेंगे great. You have cleared the exam. Okay? So किसी ने कोई exam clear किया है तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? Great, you have cleared the exam. Wow, this dress is so pretty. Wow, this dress is so pretty. Hurrah! We have won the match. We have won the match. Exactly. Exactly. Now you understood my point. Exactly. Now you understood my point. अब आपको मेरी बात समझ में आई. Alas. Alas. Grandmother is in the hospital. Okay? So we have wrote a sentence with each interjection. Chaliye. Now, fill in the blanks with correct interjection. Hame correct interjection fill karna hai according to the sentence. I dropped the box of glasses on the floor. So hum isme jab hamare se box of glasses फ्लोर पर गिर जाए तो हम क्या कहेंगे? ओ नो, ओ
नो एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है. इट इज सो एलिगेंट. वाओ इट इज सो एलिगेंट. आई फॉरगॉट माय कीज. ओप्स. आई फॉरगॉट माय कीज. हाय हाउ आर यू. ओके आई वुड लाइक सम मोर. यस आई वुड लाइक सम मोर. ओके डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज. डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास. ओके आउच दैट हर्ट्स. कोई चीज हर्ट करती है तो हम कैसे कहते हैं आउच दैट हर्ट्स. दिस चॉकलेट इज वेरी गुड यम. हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. I can't take it anymore. No. I can't take it anymore. So, इस तरह से हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरजेक्शंस फिल किए हैं. ओके वी गो अहेड नाउ. यस लुक एट ईच सीन बिलो. राइट एन इंटरजेक्शन इन द स्पीच बबल. सो हमें यहाँ पर स्पीच बबल में इंटरजेक्शन लिखना है. सो दे आर मीटिंग विथ ईच अदर. सो हो सकता है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं या हाई कर रहे हैं. सो वी विल राइट हेयर हाई. ओके सो हमने लिखा यहाँ पर हाई. नाउ आइसक्रीम गिर गई है. सो ओ नो राइट. सो इस तरह से हमारे मुंह से आवाज निकलती है इंटरजेक्शंस. हम बोलते हैं हाई. Oh no, ice cream giri. So she said, oh no. चलिए आगे चलते हैं. Yes. Now he has scored A plus. उसको ग्रेड मिला है A plus. So hooray. Right? So वो खुश है. Okay? Now hurt हुआ. Ball लगी आके head पर girl के. So she will say. ओके सो इस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं. वी गो अहेड नाउ. यस वी हैव अ वोकैबुलरी टॉपिक. वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड. सो बच्चों देयर आर मेनी वर्ड्स दैट साउंड क्वाइट सिमिलर. जो बिल्कुल सिमिलर साउंड करते हैं और बहुत लिटिल डिफरेंस होता है उनकी स्पेलिंग्स में या फिर उनके मीनिंग्स में. ओके सो चलिए चलते हैं देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड. वॉर्म ब्रेड कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स एवरी मील. वॉर्म ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्स एवरी मील. यू शुड ऑलवेज स्टैंड बाय योर प्रिंसिपल्स. माय ग्लव्स आर टू लूज. द कैपिटल ऑफ कोलोराडो इज डेनवर. My son likes blue stationery. I like all except the yellow one. Except इस except का मतलब है स्वीकार करना और इस except का मतलब है इसके सिवाय. I like all yellow के सिवाय. Yellow के अलावा मुझे सब पसंद है. Okay? So इस तरह से we choose the correct word. ये वो वर्ड होते हैं बच्चों. इनकी साउंड सिमिलर होती हैं और इनकी स्पेलिंग्स में भी बहुत कम डिफरेंस होता है. सो ये होते हैं वर्ड्स जो हमें कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं. ओके चलिए आगे देखते हैं. नाउ वी हैव द पेयर ऑफ सम वर्ड्स. ओके सो यूज द पेयर ऑफ इजीली कंफ्यूज्ड वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स टू राइट द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. हमें अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एडवाइस. सो यहाँ पर एक एडवाइस वर्क करता है नाउन की तरह और एक एडवाइस वर्क करता है वर्ब की तरह. सो दिस इज द एडवाइस. सो इसके लिए हम लिखते हैं माई फ्रेंड एडवाइस. Helped me a lot.
ओके अब यहां पर इसको यूज करते हैं माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी My friend advised me to shift from this city. Okay? So, यहाँ पर ये advised work कर रहा है as a noun और यहाँ ये advised work कर रहा है as a verb. Okay? चलिए दूसरा देखते हैं eight and eight. This ate eight का मतलब है खाना. This is the second form of eat. और eight जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिस इज द नंबर 8 ओके सो यहां पर हम लिखते हैं 8 आई एट ऑल मैंगोज ओके एंड 8 का आई हैव 8 मैंगोज मैं आपको सिमिलर सेंटेंसेस बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए ओके अलाउड 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 का मतलब होता है जोर से और अलाउड का मतलब होता है हमने किसी चीज के लिए किसी को अलाउ किया परमिशन दी चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस दिस वॉज द नंबर 1 दिस वॉज नंबर 2 एंड नाउ वी हैव नंबर 3 अलाउड आई रेड द लेटर allowed in front of the family okay chaliye allowed I allowed him to read the letter okay चलिए नेक्स्ट हेयर हेयर मतलब यहां और हियर मतलब कुछ सुनना सो आई विल कम सून हेयर मैं यहां जल्दी आ जाऊंगा एंड हियर आई हियर आई हियर I hear a storm sound now. Okay? Insure, insure. So, एक insure का मतलब है surety देना, okay? Insure होना किसी चीज़ के बारे में और एक insure का मतलब है बच्चों जो हम चीज़ें insure कराते हैं ना जैसे कार इंश्योर करा ली हमने या फिर अपना घर इंश्योर करा लिया उस चीज़ को कहते हैं इंश्योर वीक वीक ओके दिस वीक मीन्स इज कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और वीक का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे हफ्ता तो आपको मैं ये दोनों चीज़ें दे रही हूँ आपके होमवर्क में यू विल डू इट ऑन योर ओन और आप इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे ओके सो बच्चों ये होते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज जिनकी साउंड ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग चेंज होता है या फिर मीनिंग में बहुत कम डिफरेंस होता है तो चलिए लेट्स गो अहेड थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे